मैं इसी का थ्रू मैं रोज़ व्यू देता हूँ, तो इसको आप लोग को फिर से स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ। पहले ये रो सिलेक्ट करना है, इस रो को सिलेक्ट करने के बाद इसका इधर फिल्टर लगाना है। पहले आप लोग इसको प्रोबेबिलिटी को स्क्रीन कर लेते हैं। ऑलरेडी वन स्क्रीनिंग हो गया, थर्ड प्रोबेबिलिटी टू, प्रोबेबिलिटी थ्री। अब लोग कुछ इधर से कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, सब करने का जरूरत नहीं होगा। उधर से और भी कुछ स्क्रीनिंग कर लेता है और प्रोबेबिलिटी फाइव को देखता है। फोर्टी सिक्स अपने आप हो गया, ये कॉल में से थोड़ा सा कम हो जाएगा। और भी देखते हैं पैरामीटर और कुछ स्क्रीनिंग कैसे किया जा सकता है। देखिए इधर ईएमए का क्रॉसओवर हो गया, बोलिंजर मिडिल बैंड का ऊपर है, बोलिंजर अपर बैंड का ऊपर भी स्क्रीन कर ले सकते हैं आप लोग। एम एस सी डी आर एस आई स्टोकास्टिक को जरूरत नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है, एम एस सी डी का आर एस आई को थोड़ा सा स्क्रीन कर लेते हैं तो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। ये लेवल आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने कर लिया हूँ। इसका लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए ईएमए का क्रॉसओवर हो गया, मिडिल बैंड बोलिंजर का बैंड, बोलिंजर मिडिल बैंड का ऊपर चला गया, एम सी डी पॉजिटिव है, आर एस आई भी 70-30 का अंदर है, 50 और 70 का अंदर है। और भी स्क्रीनिंग आप लोग वेरियस तरीके से आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग इधर हो सकते थे, मेरे को पूछा है कि इसको स्क्रीनिंग इसको टारगेट स्टॉप लॉस कैसे रख सकता है। तो इसको देखिए आप लोग पहले तो पिवट पॉइंट में भी सोच लीजिए बाई किया, तो इसको पिवट पॉइंट में आर वन के ऊपर देख लेते हैं, आप आर वन के ऊपर है कि नहीं, तो इसको पिवट पॉइंट में भी रख सकता है। ई एम ए
13 के